हेलो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी 5 AM क्लब बुक से, जिसे आप सभी ने बहुत पसंद किया और इसीलिए मैं आप सभी के लिए इसका सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज हम दो इम्पॉर्टेंट की एरियाज के बारे में पढ़ेंगे। पहला, द फोर फोकस ऑफ हिस्ट्री मेकर्स, कि जो लोग इतिहास बनाते हैं, इतिहास रचते हैं, वो कौन सी चार चीज़ों पर फोकस करते हैं जिसके कारण वो ऐसा कर पाते हैं। और सेकेंड थिंग जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है फोर इंटीरियर एम्पायर के बारे में। सो भाइयों और बहनों, बिना टाइम वेस्ट किए चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं यार। द फोर फोकस ऑफ हिस्ट्री मेकर्स। क्वालिटी नंबर 1, कैपिटलाइजेशन IQ। आपको क्या लगता है कि जो लेजेंडरी परफॉर्मर होते हैं, जो वर्ल्ड्स बेस्ट एथलीट्स होते हैं, उन्हें जन्म से ही इतने टैलेंट मिला होगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जन्म से सभी सेम ही होते हैं। लेकिन तब भी ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, अपने फील्ड में ग्रेटनेस अचीव कर पाते हैं? और ऐसा वो कर पाते हैं अपने एक्सेप्शनल डेडिकेशन के कारण, अपने कमिटमेंट के कारण और अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ एफर्ट को ड्राइव करने के कारण। कैपिटलाइजेशन IQ वाले लोग ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं, वो सक्सेस और ग्रेटनेस के भूखे होते हैं और इसीलिए वो हार्ड वर्क करते हैं। क्योंकि अगर आप वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर बनना चाहते हो तो ये कोई इवेंट नहीं होगा जिस पे आप जा सकते हो, ये एक प्रोग्रेस है जिसे आप डेडिकेशन और डिसिप्लिन से अचीव करते हो। तो हर इंसान चाहता है कि वो लाइफ में सक्सेसफुल हो, उसे ग्रेटनेस अचीव हो, लेकिन कुछ लोग ही अपनी लाइफ में उसे अचीव कर पाते हैं, क्योंकि वो सक्सेस के लिए, वो ग्रेटनेस के लिए भूखे होते हैं और इसीलिए वो आइकॉनिक बन पाते हैं। तो ये थी पहली क्वालिटी। अब आते हैं सेकेंड पर, फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। हर इंसान जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है या जो सक्सेसफुल हो चुका है, उसे ये बात पता होती है कि किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन उन्हें उनके गोल से बहुत दूर ले जाता है। ऑथर रॉबिन शर्मा कहते हैं कि जो लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं या होना चाहते हैं, उन्हें अपने माइंड में एक टैटू छपवा लेना चाहिए और वो है, एन एडिक्शन टू डिस्ट्रैक्शन इज द एंड ऑफ योर क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो आपको अपने टाइम से ज़्यादा अपने फोकस को मैनेज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने फोकस को मैनेज करना सीख सकते हो तो आपको कभी अपने टाइम को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिस्ट्रैक्शन कई प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है आपके लिए टेक्नोलॉजी डिस्ट्रैक्शन हो, कई लोगों के लिए रिलेशनशिप और फैमिली डिस्ट्रैक्शन होती है। अगर एक लाइन में इस बात को क्लियर कर दूं, तो ये कुछ ऐसा होगा कि जो भी चीज़ जो आपको अपने गोल से दूर करती है वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है, और इस डिस्ट्रैक्शन को दूर करना आपको आना ही चाहिए, तभी आप अपने लाइफ में कुछ ग्रेटनेस अचीव कर पाओगे। क्वालिटी नंबर 3, पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि मैक्सिमम लोगों को लगता है कि बहुत सारे लोग जो लीडर्स हैं या जो सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में, उन्हें जन्म से ही कुछ टैलेंट मिले होते हैं जिसकी वजह से वो अपने लाइफ में इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं। और हमें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जब तक लोग उन्हें जानना शुरू करते हैं तब तक वो अपने फील्ड में मास्टरी अचीव कर चुके होते हैं। ऑथर कहते हैं, इस दुनिया में टैलेंट जैसा कुछ नहीं है, उन्होंने इसके लिए लगातार प्रैक्टिस की है और तब तक वो प्रैक्टिस करते रहे जब तक वो अपने लाइफ में, अपने उस फील्ड में मास्टरी अचीव ना कर ले। फॉर एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर। सचिन बचपन से ही क्रिकेट खेलते थे और जब उनका इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हुआ तब तक तो उन्होंने अपने फील्ड में मास्टरी अचीव भी कर ली थी, क्योंकि किसी भी फील्ड में मास्टरी अचीव करने के लिए साइंटिफिकली आपको 10,000 घंटे तक उस काम में प्रैक्टिस करनी होती है। तो अगर कोई भी इंसान अपने फील्ड में मास्टरी अचीव करना चाहता है तो लगातार उसके लिए उसे प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि मास्टरी के लिए कंसिस्टेंट होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और ये मेन इंग्रेडिएंट है इसका। सो अब आते हैं क्वालिटी नंबर 4 पर, डे स्टिकिंग। जो लोग हिस्ट्री मेकर्स होते हैं, उन्हें पता होता है कि उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है और एक बार टाइम निकल जाने के बाद आप कभी भी उस टाइम को दोबारा हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए वो वैल्यू समझते हैं अपने हर दिन की, क्योंकि आपके आज के बेसिस पर ही आपका फ्यूचर बनता है। अगर आप आज ही अपनी एक दिन की वैल्यू नहीं करते तो आपको फ्यूचर में भी वही दिक्कतें होंगी जो आपको आज हो रही है, बल्कि ये आज से और भी ज़्यादा मुश्किल होगी, टफ होगी। तो आप आज क्या करते हो यही आपका फ्यूचर बनाता है। आपका एक एक मिनट आपके घंटे बनाते हैं, आपके घंटे आपका दिन, सप्ताह, महीने और साल बनाते हैं, और इसी के बेसिस पर आपकी पूरी लाइफ बनी हुई है। हर हिस्ट्री मेकर्स इस बात की इंपॉर्टेंस समझता है और इसलिए वो इस बात पर फोकस करता है कि वो अपने लाइफ का एक दिन भी वेस्ट ना करे, और आपको भी यही करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे 4 चीज़ें जिस पे हिस्ट्री मेकर्स फोकस करते हैं। अब बात करते हैं 4 इंटीरियर एम्पायर की।
किसी भी बेस के सपोर्ट के लिए चार पिलर्स होते हैं, उसी तरह हमारे लाइफ में भी चार पिलर्स है, चार इंटीरियर एम्पायर है जो हमारे लाइफ को कंट्रोल करती है। पहला एम्पायर आपका माइंडसेट, जिसे हम साइकोलॉजी से डोनेट करते हैं। आप जिन लोगों के साथ रहते हो, जैसी बातें सुनते हो, जैसे वीडियो देखते हो और जैसे बुक्स पढ़ते हो, उसी के बेसिस पर आपका माइंडसेट डेवलप होता है। आप उसी लेवल का सोच सकते हो जिस लेवल का आपका माइंडसेट है। और ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जिस लेवल का आपका माइंडसेट होगा, आपका एक्शन भी उसी लेवल के होंगे। तो दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो अमीर माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहो। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो सक्सेसफुल लोगों के साथ रहो। जिस फील्ड में आप मास्टरी अचीव करना चाहते हो, उसी से रिलेटेड वीडियो देखो, बुक्स पढ़ो। ये आपके माइंडसेट को और भी ज़्यादा शार्प करेगा, जिससे आप और भी ज़्यादा अच्छा क्लियर तरीके से सोच पाओगे, बेटर डिसीजन ले पाओगे और अच्छे एक्शन ले पाओगे। इंटीरियर नंबर टू, हार्ट शेट, जिसे हम इमोशन से कनेक्ट करते हैं। हम ह्यूमंस लॉजिकल बनने की बहुत सारी कोशिश करते हैं, लेकिन हम एक इमोशनल क्रिएचर्स है, अपने डिसीजन इमोशन के बेसिस पर लेते हैं। आप कितने भी लॉजिकल इंसान क्यों ना हो, अगर कोई आपसे कहे कि आपके कोई फैमिली का मेंबर जिसका सड़क में एक्सीडेंट हो गया है, तो उसमें आप लॉजिक नहीं लगाओगे, आप इमीडिएटली एक्शन लोगे, ये बात जानते हुए भी कि वो सामने वाले झूठ बोल रहा है। डेली लाइफ में हम अपने 90% डिसीजन हमारे इमोशन के बेसिस पर ही लेते हैं। हमारे इमोशन हो सकते हैं गुस्सा, हैप्पीनेस, सैडनेस, लोनलीनेस, सरप्राइज या फिर एक्साइटमेंट। तो आपको अपने हार्ट सेट को कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि ये आपके लाइफ का 25% हिस्सा कंट्रोल करता है। एम्पायर नंबर थ्री, हेल्थ सेट, एक इंसान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके लाइफ में, वो होता है उसका हेल्थ। अगर आपका हेल्थ सही नहीं है तो आपके पास कितने भी पैसे क्यों ना हो, आपके पास सब चीज़ क्यों ना हो जो आप अचीव करना चाहते हो, तब भी ये आपके लिए कोई काम की नहीं होगी। लेकिन हेल्थ सेट को आप इम्प्रूव कर सकते हो। आप डेली एक्सरसाइज कर सकते हो, जिम ज्वाइन कर सकते हो, डेली वॉक कर सकते हो। और अगर आपको सच में अपने लाइफ की परवाह है तो कभी नशे मत करना, क्योंकि ये चीज़ें आपको टेम्प्रेरी प्लेजर दे सकती हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। क्योंकि आपकी लाइफ सिर्फ आपकी नहीं है, ये आपके फैमिली के लाइफ से भी जुड़ी हुई है। और अभी के टाइम पे जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं, वो बीमारी है आपका मोटापा। फैट आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से कोई भी बीमारी आपको बहुत जल्दी लग सकती है। फैट अभी एक ऐसी बीमारी बन चुका है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोग मर रहे हैं। एम्पायर नंबर फोर, सोल सेट। वैसे तो ये चारों एम्पायर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, और मुझे नहीं लगता कि इससे इम्पॉर्टेंट और भी कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने सोल सेट को कंट्रोल कर सकते हो, ऑटोमेटिकली ही आपके सारे एम्पायर आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। सोल सेट जिसे स्पिरिचुअलिटी से डोनेट करते हैं, जो इंसान स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आगे बढ़ता है, वो ना सिर्फ अपने माइंडसेट को कंट्रोल कर सकता है, बल्कि अपने इमोशन को भी कंट्रोल कर सकता है, जो इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के सारे एग्जिस्टेंट चीज़ों से कनेक्टेड नहीं रहता। तो दोस्तों, ये थे चार इंटीरियर एम्पायर और द फोर फोकस ऑफ हिस्ट्री मेकर्स। होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना यार, लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है नई वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, बी स्मार्ट, बी अवेयर एंड राधे राधे।